चीनी सैनिकों के बीच में जिस तरह की हिंसक झड़प हुई उसकी कलाई अब खुलती नजर आ रही है। चीन ने इस हिंसक झड़प के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब चीन के झूठ का पर्दाफाश होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि असल में इस साजिश के पीछे तो चीन का ही हाथ था। चीन की आर्मी बिना चीनी सरकार के एक कदम आगे नहीं बढ़ाती तो हो न हो इस साजिश में जिनपिंग की भी हामी शामिल थी, और ये दावा किया है अमेरिका ने। जी हाँ, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक चीन के पश्चिमी थिएटर के कमान के प्रमुख जनरल झाओ जोंगकी ने गलवान घाटी में हमले को मंजूरी दी थी। जनरल झाओ उन कुछ गिने चुने वरिष्ठ जनरल में शामिल है जो अभी भी पीएलए में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। झाओ ने ही हमले से पहले कहा था, भारत अमेरिका और उसके सहयोगियों के शोषण से बचने के लिए चीन को कमजोर नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झाओ ने पहली बार भारत के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम दिया है, इससे पहले भी वो भारत पर अपनी पैनी नजर गड़ाते रहे हैं। सूत्रों का तो मानना है कि झाओ इस हमले के जरिए भारत को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं झाओ की ये चाल चीन पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि चीन माने चाहे ना माने, लेकिन अगर भारत के 20 जवानों की शहादत हुई है तो चीन के भी 40 से 50 सैनिक मारे गए हैं, जिसकी उम्मीद झाओ ने नहीं की होगी। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक जनरल झाओ ने इस हमले में मारे गए चीनी सैनिकों की याद में एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया था, लेकिन चीनी मीडिया में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे दुनिया को इस तनाव में चीन को हुए नुकसान के बारे में पता न चल जाए। चीन की कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी इस हार के बारे में काफी आलोचना की गई, हालांकि बाद में उसे सेंसर कर दिया गया। अमेरिकी रिपोर्ट में चीनी सेना की जीत मानने से इनकार किया गया है और झाओ की चाल पहले भी उल्टी पड़ती रही है, इस बात पर भी टिप्पणी की गई है। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक साल 1979 में वियतनाम युद्ध के दौरान जनरल झाओ पीएलए में थे और माना जाता है कि उनके कुप्रबंधन की वजह से विवाद काफी बढ़ गया था। साल 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भी झाओ थे, इस दौरान भी भारतीय सैनिकों के आगे चीन ने घुटने टेक दिए थे, और इस बार भी चीन स्वीकार करे या फिर ना करे, लेकिन चीन को इस झड़प में बहुत ज्यादा मानव क्षति हुई।